हरियाणा में दूसरी बार बनेगी नायब सैनी की सरकार। बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से सैनी को चुना नेता। अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक जीत का नायक। हर किसी को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। बुधवार को पंचकुला के बीजेपी दफ्तर पंचकमल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके शुरू होने के कुछ मिनटों के भीतर ही गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया। जो बैठक में एमपी के सीएम मोहन यादव के साथ बतौर बीजेपी ऑब्जर्वर शामिल हुए थे। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल बेदी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ है। अमित शाह ने हरियाणा में बीजेपी को मिली लगातार तीसरी जीत का सेहरा नायब सिंह सैनी के सिर बांधा, मगर बीजेपी प्रदेश में इस ऐतिहासिक मुकाम तक कैसे पहुंची, ये समझाते हुए उन्होंने तीन चेहरों और उन तीनों की कार्यशैली से प्रदेश में जमीनी स्तर पर हुए तीन बड़े बदलावों को लगातार जीत की वजह बताया है। अमित शाह के मुताबिक वो तीन चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और तीसरी बार जीत के नायक बने नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी थे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणाओं की समस्याओं की समझ उसी वक्त से बने। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, और इसने हरियाणा की फेर नीचे रहती हुई गरीब जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। हरियाणा में सालों से एक परंपरा थी, जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का बन जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का विकास करता था, समग्र हरियाणा विकास के लिए तरसता रहता। मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समग्र हरियाणा के विकास की नींव पड़ी और समग्र हरियाणा के विकास, मैं तो आश्चर्यचकित हूं, पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज, हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास है। हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी के सीएम सैनी ने दूसरी बार भरोसा जताने के लिए विधायकों और बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया, और इसी मंच से शपथ ग्रहण के साथ ही 24,000 भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने का ऐलान करते हुए बीजेपी नेतृत्व को ये बताने की कोशिश की कि पार्टी का किया हर वादा जनता से पूरा करूंगा। इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है, और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम
सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट कार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, वो भी एक नहीं सात, लेकिन लचर संगठन और पार्टी नेताओं की गुटबाजी ने उसे तीसरी बार भी सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते 10 सालों में 3 बड़ी हार के बाद भी कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रही। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली थी और वोट मिले थे 33.2%। 2014 में INLD 19 सीटों और 24.1% वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं कांग्रेस 15 सीट और 20.6% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। सत्ता से बेदखल होने के बाद उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिली थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 6% बढ़कर 36.49% हो गया, लेकिन सीटें घटकर 40 तक पहुंच गई, जिसके चलते उसे सरकार बनाने के लिए JJP की मदद लेनी पड़ी, जिसे 10 सीटें और 14.80% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस की सीटें और वोट परसेंट दोनों में इजाफा हुआ। उसे सीटें मिली थी 31 और वोट मिले थे 28.8%। वहीं 2024 के चुनाव में पिछली बार से बीजेपी का वोट बढ़ा 3.45%, जो इस बार 39.94% रहा, मगर सीटें बढ़कर 48 हो गई। कांग्रेस को पिछली बार से 11% ज्यादा वोट मिले, उसे बीजेपी से सिर्फ 0.85% कम वोट मिले, जो 39.09% रहा, मगर वो सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यकीनन लगातार तीसरी बार मिली बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, मगर वहीं आंकड़े ये गवाही भी दे रहे हैं, कांग्रेस भले सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जीत पाई, मगर 10 सालों में उसका जनाधार लगातार बढ़ता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, हरियाणा।